और यार मैं बहुत नज़दीक में आ गया हूँ किले के, अभी वो जाए हम बादशाह मस्जिद के करीब आ गए हूँ। सॉरी इसके अभी वो है ना मेन दरवाज़ा वहीं पे, मेन पे वहीं पे जाना है हमने। और बीच में हम चीज़ें दिखाता चलता हूँ आप लोगों को, क्या क्या लीगल लीगल पिक्चर्स लेने के लिए। इधर इज्जत में सब लोग मतलब बाहर बाहर घूम रही है, लेकिन नमाज का टाइम अंदर हो रहा है। आ जाए यार, तो यार ये लामा इकबाल साहब का जो है ना मज़ार है। और आगे ये आपको मैंने पहले बताया था, इन्होंने लोगों ने बोला था घूम के हैं जो रेंजर वाले हैं, इक्की दुक्की तिक्की वो पीछे आ रहा है। जी तो ये लामा मोहम्मद इकबाल साहब, जी जी तो ये डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल साहब, उनका मज़ार है पीछे, और इसके साथ ही बादशाही मस्जिद है, और साथ ही ये पीछे हजूरी बाग और शाही किले का गेट है। तो ये सब कुछ इकट्ठा इकट्ठा ही है। जी 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 ठा है। जी तो ये सामने वो है जो मेन गेट शाही किले का है, वो है। बड़ी खूबसूरत प्लेस है, पाकिस्तान में बड़ा इंजॉय होता है यहाँ पे। ये जो जगह है इसे हजूरी बाग कहते हैं। भाई पठान लड़ पड़ा इस भाई के साथ। भाई वो बोल रहा जगह खाली करो, स्टेडियम में करो, फैमिली आती जाती। वो कहते क्यों खाली करूं, तुम कौन होता है? ये देखो बोल रहा भाड़ में जाओ, तुम होते कौन, गेट आउट। वो अभी उंगली दिखा रहा है, ये वो इधर कर रहा है, बाकियों को उठा रहा है। वो बोल रहा है कि नीचे जाके उस साइड पे बैठो। वो नहीं मान रहा कोई भी यार बात इनकी, बेचारा मजबूर हो रहा है। देखो वीडियो इशारा कर रहा है यार, वो देखो जो पागल लड़का बैठा उसके साथ जाके बैठ जाओ, नहीं मान रहा यार। मतलब कोई भी उठने के लिए तैयार ही नहीं, बेचारे को कुछ सुनता ही नहीं है। बाद में बोलते हैं कि यार ये लोग गलत हैं, कैसे गलत हैं, आपकी रिक्वेस्ट कर रहा है उठ के नीचे चले जाओ तो आप चले जाओ, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। अच्छा तो यार हम बादशाही मस्जिद में हैं और ठीक है अंदर नमाज हो रही है, नमाज अभी हो चुकी है, ठीक है जमात हो चुकी है। और ये वीडियो दिखाते रहा चलो आपको, अभी इसके साथ साथ हम ये ब्लॉग को अभी यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं। और ख़ास बात बता दो, मस्जिद के अंदर एक ऐसा सिस्टम है ना कि जब बादशाह के ज़माने में वो होता था, इनका नाम क्या है, माइक वगैरह नहीं होते थे, और इनके जगह पे ना इन्होंने वो सुरंगें बनाई होती थी जिससे एक जगह पे अजान देते थे, सारे पूरे मतलब किले में ना हर जगह पे मस्जिद में ना आवाज़ जाती थी। अभी भी ये अंदर है, लेकिन अभी भी नमाज जो नहीं बाद में पढ़ने आ रहे हैं वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे वीडियो को एंड करने वाले हैं। और ख़ास बात ये है कि अभी वो जहाँ पर अंदर जाने का उन्होंने वो बंद कर दिया है। तो वीडियो प्ले हो गई, ये देख लो वीडियो बन रही है, ठीक है। अभी हम इसके साथ मस्जिद में इस भाई की वीडियो बनाने वाले हैं, और कॉल भी इसकी आ रही है, हम बाद में दिखाते हैं आपको। अच्छा तो यार अभी जो हमारा भाई है ना जिसका ये ब्लॉक है, वो इस टाइम मस्जिद के बाहर हमारा वेट कर रहा है कि कब आएंगे, लेकिन हम अभी भी इधर लगे हुए हैं क्योंकि अभी जहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि लेकिन फिर भी हमें घर जाना पड़ेगा क्योंकि घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। तब तक ये व्यू देखें आप।
और अभी तो चल रहा है, वीडियो बन रही है यार। बाहर ये सारा होटल वगैरह है, लेकिन वो सबसे पहले बाबा वाला जो होटल है बहुत प्यारा होटल है। ये व्यूज़ है बहुत प्यारा, देखो ये कितना बंदा मोटा है लेकिन फिर भी प्यारा लग रहा है, समझ रहे हो आप बात को। और ये मतलब बहुत प्यारा मज़े वाला सीन है, देखने ज़रूर आइए बादशाह में, लाजमी है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें, थैंक यू। पेंडू BBC जिंदाबाद। ये देखिए अभी लड़ रहे हैं यार, मेरे साथ फ़ोटो लेनी है कि जान लेनी है, ये देखो। तो भाई यार क्या मतलब, खाते पीते घर का है यार। और बात समझ रहे हो ना, बाकी खाते पीते घर का कौन है। ये भी वीडियो देख रहे हैं, ओ माय गॉड। आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और भाई के पास जा रहे हैं, लेकिन हम उनको दिखाएंगे वो कैसे बैठे हुए। उसके बाद मिलते हैं, ओके बाय।